नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने दो लाउड स्पीकर को उतार कर सौंपा जिलाधिकारी व एसएसपी को। जिलाधिकारी व एसएसपी ने दोनों लाउड स्पीकर को गोरखनाथ प्राइमरी विद्यालय को किया दान। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रार्थना राष्ट्रगान में प्रयोग करने के लिए दिए निर्देश। जनपद में चल रहे अवैध स्टैंड, अवैध पार्किंग को अभियान चलाकर कराया जाएगा खाली। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। विद्युत सखियों व वीसी सखियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। सीएम योगी की पहल पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से जिला प्रशासन को सौंपे गए लाउड स्पीकर स्कूलों में प्रार्थना व राष्ट्रगान के काम आएंगे। गोरखनाथ मंदिर से मिले लाउड स्पीकर जनहित के निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तेईस मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। कहा, 1000 अभ्यर्थियों को मेले के माध्यम से रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। सभी अभ्यर्थी करें प्रतिभाग। उन्नीस मई को पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद को छुड़ाने गए व्यक्ति की हत्या करने वाले तीन अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एनसीसी एवं भारत स्काउट गाइड के बच्चों को पढ़ाया गया सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का पाठ। कहा, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटना में हो सकेगा नियंत्रण। प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का कार्यक्रम। बेसिक स्कूलों में हर बच्चों को निपुण बनाने में जुटी योगी सरकार। निपुण भारत केंद्र के जरिए हर बच्चे का विषयवार ऑनलाइन हो रहा है मूल्यांकन। गोरखपुर में मॉडल के रूप में चल रहा है प्रोजेक्ट निपुण। बच्चों के लिए विज्ञान व गणित विषय को और रुचिकर बनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला में IIT गांधीनगर जाएंगे गोरखपुर की टीम। रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से संचालित ऑटो स्टैंड की शिकायत पर SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। नो पार्किंग में खड़ी दो प्राइवेट बसों को किया सीज। कहा, अवैध रूप से पार्क किए वाहनों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले तीन अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ITMS के कंट्रोल रूम के द्वारा यातायात नियमों के प्रति चौराहों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को किया जा रहा है जागरूक। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, ट्रैफिक चौराहों के बायलेन को रखें खाली ताकि ट्रैफिक का प्रेशर हो कम। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने NXC भवन के सभागार में की बैठक। कहा, टीम बनाकर मोहल्लों से बकाया बिजली बिल की जाए वसूली। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में खेले जा रहे अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। 21 मई को मेट्रो रेल एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच होगा फाइनल मैच। और पेट्रोल पंपों को NOC देने वाली टीम के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। कहा, एक सप्ताह के बाद पेट्रोल पंपों को जिलाधिकारी के माध्यम से NOC किया जाएगा वितरित। अब खबरें विस्तार से।
गोरखनाथ मंदिर से उतारे गए दो लाउडस्पीकर को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने गोरखनाथ प्राइमरी स्कूल को दान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को उतारकर विद्यालय में दान करने का निर्देश दिया था, जिसको देखते हुए पहली पहल करते हुए दो लाउडस्पीकर गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर से उतारकर प्रशासन को सौंप दिया। जिला प्रशासन के द्वारा दोनों लाउडस्पीकर को प्राइमरी स्कूल गोरखनाथ को दान किया गया। अब गोरखनाथ मंदिर के लाउडस्पीकर स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना, राष्ट्रगान करवाने में काम आएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित विद्यालय की प्रधानाचार्य व अध्यापक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य विभा तिवारी ने कहा, अरे वहाँ तो देना ही हमें कोई कहाँ पे देंगे, कहाँ देंगे इसे जाऊँगा तुम लोग आप लोगों को मदद हो जाएगी, कोई बात खबर नहीं है, पेरेंट्स अभिभावकों को चिंतित कर रखना है। सर 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 कुछ हाँ हाँ बस बस नहीं करना है या कुछ करना है, उसको मदद प्रिंसिपल और आप अभिभावक को सूचित करना चाहते हैं, बच्चों को कोई संदेश सर 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 विभा तिवारी हेडमास्टर अरे यही जैसे कोई प्रोग्राम करना हुआ, हमको अनाउंसमेंट करवाना है, हम एक एक आदमी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इससे आसानी से हो जाएगा ना। कोई मुनादी हमको करवानी है तो उसमें इस्तेमाल होगा, प्रेयर टाइम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल में कोई प्रोग्राम किए, गार्जियन को बुलाए, गार्जियन को सूचित करना है तो भी हम घुमा सकते हैं इस तरह से। किस तरह से डीएम साहब के द्वारा निर्देश दिया गया यही सब करने के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, स्कूल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे भी करना। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में चल रहे अवैध स्टैंड पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जनपद में सर्वे करके यह सुनिश्चित किया जाए कि कहां पर अवैध स्टैंड चल रहा है व कहां पर अवैध पार्किंग, अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, अवैध डग्गा मार बस चल रही है और कहां पर माफियागिरी चल रही है, उन सभी जगहों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाएगा।
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा, अवैध पार्किंग हटाकर सड़कों को जाम से मुक्त रखा जाएगा, पैदल चलने वाले नागरिकों को अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, जिसके लिए अभियान लगातार चल रहा है। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है उनको खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया है या जनपद में भी इसी तरह का सर्वे किया जा रहा है कि कहाँ अवैध तरीके से पार्किंग हो रही है, सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, अवैध स्टैंड चल रहे हैं, कहीं डग्गामारी चल रही है, कहीं माफियागिरी चल रही है, उन सब में कार्रवाई के लिए चिन्हित करके उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सड़कों को, कैरेज वे को बिल्कुल मुक्त किया जाएगा, फ्री रखा जाएगा, पेडेस्ट्रियंस के लिए अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, नियमित जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है, अंतर विभागीय समन्वय से शासन की मंशानुरूप यहाँ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने विद्युत सखियों व वीसी सखियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के वीसी सखियों व विद्युत सखियों के साथ बैठक की गई है। उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए यह बैठक की गई है। उनकी कुछ समस्या सामने आई है, उनका जल्द ही समाधान करा दिया जाएगा। प्रयास है कि गांव में सरकार के द्वारा जितनी भी धनराशि हस्तांतरित की जाती है वह वीसी सखियों के माध्यम से संचालित की जाए और विद्युत सखियों के माध्यम से विद्युत बिल कनेक्शन में जो कमी रहती है उसको पूरा किया जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी फायदा हो, बिजली विभाग को 100% बिल जमा करवाने में फायदा मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सर चार्ट कमीशन में तो 2100 रुपए आया है और कमीशन मुझे प्राप्त हुआ है। नहीं आ रहा ना? नहीं सर। क्यों? सर बहुत कम आ रहा है। गांव में जितना भी पैसा दिया जा रहा है पेंशन उसका आप लोग क्यों उसमें भी पोषण नहीं करा पा रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या कमी आ रही है? टेक्नोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही है या ट्रेनिंग पूरा मशीन चलाना वो सब आ रहा है ना? अगर मान लो किसी गांव में हम लोग 50 से 100 लोगों को तो नरेगा में काम दे देते हैं ना, बहुत सारे लोगों को विभिन्न योजनाओं में पेंशन, 50% लोगों को पेंशन, राशन कार्ड और सब दे देते हैं। गाँव में अगर ग्राम पंचायत आपको लोड दे कि आप ही के रूप से अनिवार्य रूप से पैसा निकालना है, फिर आप बैंक वालों से मिलकर उनको छोटी छोटी बचत की योजनाएं जो होती हैं, हमारे विद्युत सखी और बीसी सखियों के साथ बैठक की, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन लोगों की समस्या समझने के लिए, उनको और बेहतर व्यवस्था करने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए बैठक की गई है। उनकी कुछ समस्याएं संज्ञान में आई हैं, उसको भी हल करा देंगे। हमारा मकसद है कि गांव में जितनी भी योजनाओं में सरकार धनराशि हस्तांतरित की जाती है वो बीसी सखियों के माध्यम से संचालित किया जाए और विद्युत सखियों के माध्यम से विद्युत बिल कलेक्शन में और बिलिंग में जो एफिशिएंसी की कमी रहती है उसको हम पूरा करें और उपभोक्ताओं का फायदा हो और बिजली विभाग को भी कलेक्शन 100% पहुंचाने तक कामयाबी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को दिए जाएं, गोरखनाथ मंदिर ने 2 लाउडस्पीकर जिला प्रशासन को सौंपे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये लाउडस्पीकर स्कूलों तक पहुँचा दिए गए हैं। शिक्षा के मंदिरों में गोरखनाथ मंदिर के ये लाउडस्पीकर प्रार्थना, राष्ट्रगान और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के काम आएंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश का अनुपालन पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। निर्देश जारी होते ही सबसे पहली पहल उस गोरखनाथ मंदिर से हुई जिसके पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री स्वयं है। गोरखनाथ मंदिर में वैसे पहले से ही लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम रहती थी, यहाँ अनावश्यक लाउडस्पीकर नहीं बसते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ मंदिर की चार दीवारी की तरफ लगे
साउंड स्पीकरों का मुंह मंदिर परिसर की ओर करने के साथ इनकी आवाज को मानक 45 डेसिबल से भी कम कर दिया गया। अब सीएम योगी ने यह तय किया है कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए जाएंगे। इस निर्णय के अनुपालन में भी सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर आगे आया है। शुक्रवार सुबह मंदिर प्रबंधन की तरफ से दो लाउड स्पीकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा को सौंप दिए गए। जिला प्रशासन ने इन लाउड स्पीकरों को स्कूलों को उपलब्ध करा दिया है। ये लाउड स्पीकर स्कूलों में बच्चों की प्रार्थना सभा, राष्ट्रगान और समय समय पर स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक समारोह व अन्य प्रतियोगी कार्यक्रमों में प्रयोग होंगे। यह जग जाहिर है कि सीएम योगी किसी भी जनहित वाले निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकरों की आवाज और कम करने की पहल हुई। अब स्कूलों के लिए लाउड स्पीकर देने की शुरुआत भी इसी मंदिर से हुई है। इसके पहले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के सामने की सड़क को फोरलेन बनाने के लिए मंदिर परिसर की बाउंड्री तोड़वाने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं दिखाई थी। उनका संदेश साफ है कि जनहित उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए जाएं, गोरखनाथ मंदिर ने दो लाउड स्पीकर जिला प्रशासन को सौंपे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये लाउड स्पीकर स्कूलों तक पहुंचा दिए गए हैं। शिक्षा के मंदिरों में गोरखनाथ मंदिर के ये लाउड स्पीकर प्रार्थना, राष्ट्रगान और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के काम आएंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश का अनुपालन पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। निर्देश जारी होते ही सबसे पहली पहल उस गोरखनाथ मंदिर से हुई जिसके पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री स्वयं है। गोरखनाथ मंदिर में वैसे पहले से ही लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम रहती थी। यहाँ अनावश्यक लाउड स्पीकर नहीं बसते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ मंदिर की चार दीवारी की तरफ लगे स्पीकरों का मुंह मंदिर परिसर की ओर करने के साथ इनकी आवाज को मानक 45 डेसिबल से भी कम कर दिया गया। अब सीएम योगी ने यह तय किया है कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए जाएंगे। इस निर्णय के अनुपालन में भी सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर आगे आया है। शुक्रवार सुबह मंदिर प्रबंधन की तरफ से दो लाउड स्पीकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा को सौंप दिए गए। जिला प्रशासन ने इन लाउड स्पीकरों को स्कूलों को उपलब्ध दिया है। ये लाउड स्पीकर स्कूलों में बच्चों की प्रार्थना सभा, राष्ट्रगान और समय समय पर स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक समारोह व अन्य प्रतियोगी कार्यक्रमों में प्रयोग होंगे। यह जग जाहिर है कि सीएम योगी किसी भी जनहित वाले निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकरों की आवाज और कम करने की पहल हुई। अब स्कूलों के लिए लाउड स्पीकर देने की शुरुआत भी इसी मंदिर से हुई है। इसके पहले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के सामने की सड़क को फोरलेन बनाने के लिए मंदिर परिसर की बाउंड्री तोड़वाने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं दिखाई थी। उनका संदेश साफ है कि जनहित उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
चलो 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 देंगे इसे सर 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 जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में 23 मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 23 मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है, जिसमें मेले की तैयारियों पर चर्चा की गई है। सेवायोजन कार्यालय से सूचना विभाग के माध्यम से रोजगार मेले का प्रचार प्रसार हो, जिससे कि अधिक से अधिक युवाओं को जॉब मिल सके। सभी उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है, उनको अपने कार्य के लिए जितने भी युवाओं की आवश्यकता है उसका लिस्ट बन जाए, जिसका निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जो भी लोग कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करना व उच्च शिक्षा में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वह लोग भी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, रोजगार देने के लिए बाहर से कंपनियों को बुलाया जा रहा है व जिले व स्तर की सभी कंपनियां इस मेले में प्रतिभाग करेंगी और उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को रोजगार मिलेगा। लगभग 1000 छात्रों को रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मेरा सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि रोजगार मेले में भाग जरूर लें। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहरलाल कसौधन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे सर, क्या और इम्प्लॉय भी सर ने, हम लोगों ने काफी मेहनत की थी पिछली बार भी, इस पहले भी हम लोग करते रहे संयुक्त रूप से, तो सर विकास के भी सर DC है, तो काफी अच्छा। गोरखपुर का CM सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो एक अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, प्रदेश स्तर से बहुत ज्यादा एक बोझ होता है, एक तरह से बहुत उम्मीदें होती है कि यहाँ अच्छा, तो हम लोग हर बार भी काफी अच्छे से उसको काफी आप लोगों के सहयोग से काफी अच्छे से करते रहे हैं, और ये मेला भी अब तक इसको भी काफी अच्छा चल रहा है जो तैयारियाँ है, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से एक सफल मेला हम लोग और करा पाए, एक अब तक इतने होते रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे व्यास सर हैं अभी आज शायद व्यस्त हैं, उनके सिंह साहब हैं, तो अब हम लोग एक प्रचार प्रसार में
सीधे जब सीकर तक पहुंचने का हम लोगों को अभी तक जैसे हम लोग करते थे सोशल मीडिया की जो होता था मैसेज हमें एसएमएस करते थे फोन करते थे और सबकी मैम आईसी साई वर्क कर रही है उस पर भी हम लोग देते थे। हमारे मिश्रा जी हैं सूचना अधिकारी काफ़ी हेल्प कर रहे देखो इसमें ना पहले तो कीड़ा में सभी उद्योग पर संपर्क हो वहाँ 400-500 यूनिट सबको चाहिए क्वेश्चन एक पीडब्ल्यूडी और जितने भी कार्य संस्था उन सब 6,500 करोड़ के परियोजना चल रही है। ईडा में गारमेंट पार्क आ रहा है, आईटी पार्क आ रहा है, प्लास्टिक सिटी आ रही है, कटेड फैक्ट्री आ रही है, स्टेट इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट आ रहा है, बहुत सारी इकाइयाँ आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। प्लास्टिक सिटी और ये सब तो बाद में आएगा कटेड फैक्ट्री, तो उसके लिए लोग चाहिए टेक्नीशियन प्लम्बर फिटर फर्टिलाइजर वो लोग नया कोर्स भी चलाएँगे इन सबसे संपर्क कर लीजिए। और बाकी बाहर से कितने लोग आ रहे हैं सर? 20 कंपनियों ने सर दिया है 2000 से कुछ लोग भी बाहर आपके लड़के कहाँ से आएंगे? ये दो तीन चीज़ें करना है, नोट कर लो। एक तो हर एक आपके 55 सेंटर चल रहे हैं और ये जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर मुझे एक हफ्ता के भीतर प्लेसमेंट प्लान देंगे, यानी उन्होंने किस कंपनी का टाइप किया, अगर वेल्डिंग का कोर्स है तो वेल्डर कहाँ कहाँ भेजेंगे, लोकल होंगे या बाहर होंगे, कायदे से प्लान किया तो 25,000 रोजगार तो हर साल यहीं कर देंगे, किसी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है ना। दूसरा ये सभी इंडस्ट्री वाले जो 400-500 यूनिट है सबसे संपर्क होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी ले लें और रोजगार के लिए भी ले लें। सर बच्चों की कमी एक साइड पर राइस तो नहीं सर, कोई मैं आपसे सर ये बोल रही थी कि अगर उसमें हमें हर एक टाइप में सपोज गारमेंट सेक्टर में है तो हमें किस क्वालिफिकेशन के बच्चे चाहिए और कितनी उनकी सैलरी होगी क्या है, अगर वो एक एक सेक्टराइज हमें वो चीज मिल जाए जब आप इंडस्ट्री वालों से बात करेंगे जीएमडीआईसी की तरफ से कौन आया सर? हाँ आप क्या हैं सर? एएम है सर, करवा लो इसको। आज 23 मई को जो बृहद रोजगार मेला हो रहा है उसकी तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें मेले के लिए अवस्थापनाएं जो हो रही हैं उसके सभी और सेवायोजन कार्यालय से सूचना विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, सभी उद्यमियों से संपर्क हो, उनको जितने भी विभिन्न क्रियाकल्प होंगे उनको कौशल विकास के छात्र छात्राएँ चाहिए अभ्यर्थी चाहिए उसके लिए लिस्ट बन जाए, ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। और साथ ही साथ जो जितने भी लोग हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क कराना, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारे बच्चे पंजीकृत हैं वो लोग भी जो प्लेसमेंट सेल के माध्यम से संपर्क करके यहाँ प्रतिभाग कर सकते हैं, बाहर से भी काफ़ी कंपनियों को हम बुला रहे हैं, हमारे स्थानीय स्तर के जितने भी बड़ी इकाइयाँ छोटी इकाइयाँ सब जिनको भी रोज़गार के लिए अभ्यर्थी चाहिए तो वो इस मेले में प्रतिभाग करेंगे और आपस में सम्मेलन होगा और सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रतिभा वाले हमारे छात्रों को रोज़गार मिलेगा। स्थानीय स्तर के सभी 400 से ज़्यादा इकाइयां जो हैं उन सबसे हम अनुरोध करेंगे, बाहर से भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को प्रतिभा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम इस बार कम से कम 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने के लिए टारगेट कर रहे हैं और अगर सभी प्रयास सफल रहें तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। सर कुछ अपील करना चाहेंगे छात्रों से? मैं सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से इस रोज़गार मेले को नियमित रूप से सफल बनाने के लिए अनुरोध करूंगा, प्रतिभाग करने के लिए अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि आपने जो सपने देखे हैं उसको पहला पड़ाव है कि आपकी पहली नौकरी उसमें अच्छे प्रतिभाग करेंगे, अपना मत स्थिर करेंगे, रोज़गार प्राप्त करके उसमें अपना हुनर बढ़ाएंगे, हुनर प्राप्त करने के बाद आगे और आप बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और उसके बाद
अन्य क्रियाकल्पों में, स्वरोजगार में और उद्यमिता के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। कृपया बढ़ चढ़ के प्रतिभा करें और उद्यमियों को से भी अनुरोध करूंगा, हमारे शासन की नीति के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप पॉलिसी के तहत सब्सिडी मिलती है, रोजगार सृजन के लिए सब्सिडी मिलती है, इन सब में आच्छादन के लिए इन मेलों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभा करें। बेसिक शिक्षा का उन्नयन योगी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए स्कूलों का कायाकल्प कराने, संसाधन समृद्ध बनाने और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए परिणामदायी प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के ही दृष्टिगत गोरखपुर में मॉडल के रूप में निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी प्रोजेक्ट लागू किया गया है। हर बच्चों को ज्ञान के स्तर पर निपुण बनाने की मंशा वाले इस प्रोजेक्ट के तहत हर बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन किया जा रहा है या पता लगाया जा रहा है कि बच्चे ने स्कूल में क्या जाना, क्या सीखा और उसके किस पक्ष को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान और गणित विषय में नई तकनीकी व गतिविधियों पर और जानकारी जुटाने जिले की एक 40 सदस्यीय टीम गुजरात के IIT गांधीनगर जाने वाली है। बीते कुछ दशकों में बेसिक शिक्षा पर तत्कालीन सरकारों की तरफ से अपेक्षित ध्यान न दिए जाने से परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से तुलनात्मक रूप से पिछड़ते गए। उनकी पढ़ाई एक तरह से खानापूर्ति वाली हो गई, ड्रॉप आउट की समस्या भी बढ़ी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस दशा को सुधारने के लिए सतत प्रयास किए हैं। उनके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। परिषदीय स्कूलों को संसाधनों से समृद्ध करने के साथ सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की महसूस की गई। इसी के दृष्टिगत दिसंबर 2021 में CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास भवन में निपुण भारत मॉनिटरिंग केंद्र का लोकार्पण किया था। बेसिक शिक्षा प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था की नींव है। इस नींव को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए गोरखपुर में निपुण भारत प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 8 तक सरल ऐप आकलन की परीक्षा ज्ञानोत्सव के रूप में 26 व 27 अप्रैल को संपन्न हुई थी। देश में पहली बार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के अधिकतम स्तर के अनुरूप सरल ऐप के द्वारा OMR सीट का प्रयोग करते हुए आकलन किया गया। गोरखपुर के 100% विद्यालयों में 286,000 के सापेक्ष 228,800 बच्चे इसमें शामिल हुए। दिव्यांग बच्चे भी उत्साह के साथ प्रतिभागी बने। अभिभावक भी इस तरह की परीक्षा को लेकर उत्साहित रहे। उनके लिए यह आश्चर्य का विषय रहा कि उनके बच्चों की क्षमता का आकलन मोबाइल से किया गया। परीक्षा का आकलन करने के बाद उन बच्चों को चिन्हित किया गया जिन पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यही नहीं, आने वाले दिन में इस तरह का आकलन मासिक आधार पर कराया जा सकता है। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का मानना है कि एक शिक्षक के लिए अपने बच्चों के अधिगम स्तर को जानना बच्चों से व्यक्तिगत जुड़ाव का माध्यम बन सकता है। शिक्षक जितनी सरलता से बच्चों के सीखने की क्षमता को जान पाएंगे उतनी ही घनिष्ठता के साथ भी अपनी कक्षा से जुड़ सकेंगे। शिक्षक और बच्चे के बीच बनने वाली यह कड़ी विद्यालयों के प्रति, अभिभावकों और समाज के विश्वास में बढ़ोतरी करेगी। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बच्चे अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ ज्ञानार्जन कर सके, सही दिशा में निरंतर प्रगति कर सके और भविष्य के प्रति एक सुदृढ़ नागरिक के रूप में विकसित हो सके। कक्षाओं में बच्चों के सीखने समझने के स्तर में वृद्धि हो सके, इसके लिए लर्निंग गैप की पहचान करना आवश्यक है। सरल ऐप से परीक्षा कराने का मकसद यही था। परीक्षा के आकलन के बाद अब विज्ञान व गणित पर खास फोकस करने की तैयारी है। समग्र शिक्षा के जिला समन्वयक विवेक जायसवाल ने बताया कि विज्ञान और गणित विषय में नई तकनीकी एवं गतिविधियों की समझ के लिए जनपद के विज्ञान गणित विषय के ARP सक्रिय शिक्षक, डायट प्रवक्ता एवं खंड शिक्षा अधिकारियों की 40 सदस्यीय टीम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अगुवाई में 11 जून से 5 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए IIT गांधीनगर गुजरात जाएगी। एक बेहतर परिवेश में ही बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। प्रदेश में कोविड के कारण विद्यालय लगभग 1.5 साल बाद खुले हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का नियमित रूप से आकलन अति आवश्यक है ताकि अकादमिक पाठ्यक्रम में सुधार और विद्यार्थियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जा सके। इसी क्रम में जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
भारत के सबसे बड़े अंतरविभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई। बुनियादी शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए निपुण भारत एवं NEP से मार्गदर्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार जनपद गोरखपुर में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन की शुरुआत की गई है। ये आकलन सरल मोबाइल एप्लीकेशन से किया गया था, जिसके द्वारा शिक्षक भरे हुए OMR शीट को कुछ ही पल में स्कैन कर सकते हैं। स्कैन किए गए डेटा को लर्निंग आउटकम डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जाता है। समय के साथ ये विद्यार्थियों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने में सहायता करता है और विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड आसानी से अभिभावकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। सरल ऐप के इस्तेमाल से शिक्षकों के आकलन से जुड़े हुए समय और प्रयास की बचत होती है। आने वाले महीनों में गोरखपुर में डाइट गोरखपुर मासिक तौर पर सरल ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्रों की तैयारी और आकलन का संचालन करेंगे। आकलन से संबंधित डेटा संग्रह और संचालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही डेटा का सही उपयोग एवं इनसाइट जनरेशन महत्वपूर्ण है। इस क्रम में गोरखपुर में शुरू हो रहा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर बेसिक शिक्षा से संबंधित पहला कमांड और कंट्रोल सेंटर है, जिसके जरिए न केवल अकादमिक पहल जैसे कि मासिक आकलन, बल्कि प्रशासनिक पहल जैसे ऑपरेशन कायाकल्प, निरीक्षण, मध्यान्ह भोजन, शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति, छात्र ड्रॉप आउट आदि पर भी रियल टाइम में सख्त नजर रखी जाएगी। ये डैशबोर्ड जैसे GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस मैप्स, विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप्स, लर्निंग आउटकम मैप्स आदि डेटा समर्थित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में शामिल टीम गैप एनालिसिस से आंतरिक रूप से योजनाओं को बनाने में सक्षम होगी। रियल टाइम डैशबोर्ड स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक डेटा प्रदर्शित करेगा, जिससे कॉल सेंटर टीम अकादमिक और प्रशासनिक पहल के अनुपालन को बढ़ाने के लिए फील्ड कॉल करेगी। समृद्ध मैनुअल शिक्षकों को उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण दिया गया है, जो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में पिछड़ रहे विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षकों का समर्थन करता है। अब गोरखपुर में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से आकलन, डेटा और लर्निंग आउटकम पर आधारित निर्णय लेने का उपयोग सभी प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलों को एक साथ जोड़ने में सहायता करेगा। प्रदेश सरकार राज्य के हर विद्यार्थी को एक निपुण विद्यार्थी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बच्चों के चेहरों की ये मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत और ईमानदार हो तो हर किसी के सपने साकार हो सकते हैं। शाहपुर पुलिस ने पारिवारिक विवाद में हुए हत्या के संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर HN सिंह से धर्मपुर जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुरेश सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी परसा बुजुर्ग थाना श्याम देवरुआ जनपद महाराजगंज हाल पता शक्तिनगर कॉलोनी किराए का कमरा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा सागर सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी परसा बुजुर्ग थाना श्याम देवरुआ जनपद महाराजगंज हाल पता शक्तिनगर कॉलोनी किराए का कमरा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा बद्री सिंह पुत्र स्वर्गीय खदेरू सिंह निवासीगढ़ परसा बुजुर्ग थाना श्याम देवरुआ जनपद महाराजगंज हाल पता शक्तिनगर कॉलोनी किराए का कमरा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 19 मई को 10 बजे रात में वादनी के पड़ोसियों का पारिवारिक विवाद हो रहा था, जिसको छुड़ाने गए व्यक्ति को वादनी के पति अर्जुन की पड़ोसी के परिवारजनों द्वारा ईंट से मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में वादनी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक नजर इमाम, उप निरीक्षक राम प्रवेश, कांस्टेबल राकेश कुमार, आशुतोष यादव, अरुण गुप्ता शामिल रहे। अरे
शुक्रवार को एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर ऑटो स्टैंड तथा रेलवे द्वारा अधिकृत मोटरसाइकिल स्टैंड का निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शिकायत के अनुसार रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से ऑटो स्टैंड संचालित है। निरीक्षण के दौरान ऑटो स्टैंड द्वारा कोई भी चीज नहीं पाई गई। यहाँ पर रेलवे का अधिकृत मोटरसाइकिल स्टैंड ठेकेदार को चलाकर स्टैंड के बारे में जानकारी ली गई। ठेकेदार द्वारा कहा गया कि इस स्टैंड का 2025 तक कागज वैध है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान नो पार्किंग खड़ी दो प्राइवेट बसों को पकड़कर सीज किया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग, नगर निगम और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई अवैध रूप से कहीं पर गाड़ी पार्क करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, परिवर्तन प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, तुम्हें पहले भी बोला गया था पर तुमने शुरू कर दिया मेरे हाथ। अच्छा, और आप लोग नाले पे नहीं जा रहे हो? अरुण अरुण, हमने बताया नहीं हो गया यहाँ पे सुनो है अच्छे लगवाने के लिए सब आगे आए हैं। हम आपको बताओ भैया, ये ऑफलाइन है क्या? ऑफलाइन हो गई तो छापा ना करने लोग ये अच्छी बन रही है। तुमसे पैसा लेते तो क्या रेलवे वालों को देते हो क्या? रेलवे वालों को हम नहीं देते, वो लोग जाने के बिना जाना। कौन है सब्जी गुप्ता, कहाँ रहते हो आप? आपका क्या नाम? दिलीप यादव। दिलीप यादव, ये पर्ची आपसे मिली है? आप पर्ची काटते हो? तो काटते कब से काट रहे हो? अच्छा, किसके आदेश से काट रहे हो? कौन ठेकेदार है? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता कहाँ रहते हैं? संदीप अंदर रहते हैं, उनसे बैठे होंगे। चलिए चलो भाई आ जाओ। चलिए सर, इनका नंबर भी देते हैं। ये वाला भी क्या है? रेलवे ने ऑथराइज किया इसको काटने के लिए? ये तो मालिक जाने। कौन है मालिक आपका? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता, कमलेश दीक्षित लिखा है। संदीप गुप्ता
उसमें कमलेश दीक्षित का नाम लिखा है, आप नाम कुछ और बता रहे हैं। गलत नहीं बता रहे मैडम। नहीं गलत की बात नहीं, उसमें तो लिखा नाम कुछ और है ना, ठेकेदार का नाम कुछ और लिखा है, आप गलत दूसरा नाम बता रहे हैं। कहाँ बैठते हो ठेकेदार? वहाँ पे स्टेशन पे। तुम्हारा क्या नाम है? गोपाल। नंबर तुम्हारा लिखो भाई, इनका चौकी जा सर। इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं ठेला चला। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 250। 250 रुपए पर डे मिलती है जी। तो आपकी कितनी ईयर्स कब से कब तक है आपका बेटा? अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये 6 का 1 जून तक, और जो दूसरा मेरा हुआ है अपना 1 जून 22 तक ये वैलिड है जो अभी चल रहा है। अच्छा, और 2 जून से लेके 1 जून 2025 तक का वैलिड दूसरा वाला हुआ। अच्छा, उसमें क्या क्या गाड़ियों का स्टैंड करना है? क्या शर्तें हैं? हाँ, जैसे अगर कोई आता है तो हमारे जो स्टाफ होते हैं गाड़ियों को अंदर बनाते हैं, गाड़ियाँ बंद कर लेंगे क्योंकि ये सर्कुलेटिंग एरिया में वैसे भी गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं। तो जो हमारे स्टाफ होते हैं उसकी या तो स्लिप काट के बाहर कर अंदर कर देंगे, या तो फिर उसको सर्कुलेटिंग एरिया में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जैसे ये है ये तो ठीक है इनक्लोजर के अंदर है, इसके जो बाहर खड़ी हुई हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, उनसे कौन पैसा लेगा? इनसे हम लोग गाड़ी की पर्ची कटवा के गाड़ी हम लोग अंदर मंगाते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे टेम्पो वाले बाहर खड़े हुए हैं उसको पकड़ा सर तुरंत जाने वाले को वो सर्कुलेशन एरिया में भी सामने पकड़ा है। उनके टेम्पो वाले तुमसे पैसे लेते हैं ना? जी सर। कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपया। कितने समय का? 1 मिनट पहले साफ 30 रुपया। कितने दिन का? जैसे सर हम लोग आते हैं तो जैसे पसेंजर भी उसके लिए दिन भर भी कटाते, 2 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मतलब हर चक्कर के आपके 30 रुपया लगे। एक दिन का 30 रुपया। आपके जो आपका ये मिला है आपको टेंडर, उसमें गाड़ी का वर्ग भी तो होगा, कैटेगरीज भी तो होंगी। हाँ। कौन कौन सी कैटेगरी? 4 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स का पार्किंग हमारा बगल वाला क्या है। 3 व्हीलर भी अंदर लोग पार्क करते हैं? नहीं, वो मतलब आते हैं अगर किसी को रिसीव करने पिक एंड ड्रॉप के लिए आते हैं तो वो लोग कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। अगर मान लीजिए बाहर अगर किसी की पर्ची काट, भाई जो भी मेरा एक सीधा सवाल है, जो भी रुकेगा वो पार्किंग में रुकेगा? बिल्कुल। अगर बाहर वाले से आप पैसा ले रहे हो तो वो गलत है। बाहर वाले से बाहर अगर गाड़ी वो काफ़ी टाइम तक लगाएगा तो उसको काफ़ी टाइम तक लगाना ये सर्कुलेटिंग एरिया में अलाउड ही नहीं है। काफ़ी टाइम तक तो पार्किंग में ही लगाएगा। क्या है गाड़ी वाले इसका रूल ये है कि काफ़ी टाइम पार्किंग में ही लगेगा, पार्किंग में ही काफ़ी टाइम लग सकती है। क्या है कि अब वेट करेंगे पैसेंजर, तो हम लोग वहाँ से गाड़ियों को हटवाते हैं। गलत है, आप इन लोगों के लिए अलाउ मत कीजिए। बिल्कुल, इन लोगों को अलाउ करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी कि आप गलत तरीके से पैसा वसूल रहे हैं इनसे। वहाँ पे कलेक्शन नहीं है। वो कलेक्शन तो इसके लिए आपको ठेका मिला है, उसका नहीं मिला है, ये सब काम आप करेंगे। ये शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से कोई ऑटो स्टैंड संचालित हो रहा है। मौके पर आके चेक किया गया तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड जैसी कोई चीज़ नहीं पाई गई। यहाँ पे रेलवे का एक अधिकृत स्टैंड है जिसमें उनके ठेकेदार हैं, उनको बुलाया गया, उन्होंने बताया कि उनके पास वैध कागज़ हैं, वैध ठेका उनका मिला हुआ है, तो इनसे कागज़ मंगवा के उनके लिए चेक किया जा रहा है। इनका ठेका ये बता रहे हैं कि 2025 तक वैध है, और जो प्रेजेंटली चल रहा है वो भी जून 22 तक है। 2 प्राइवेट बसें जो है ट्रैफिक द्वारा पकड़ी गई हैं, वो नो पार्किंग में यहाँ पर खड़ी हुई थी, इसलिए उनके लिए पकड़ा गया है, परंतु वहाँ पर कोई अवैध संचालन जैसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। परिवहन विभाग द्वारा और नगर निगम द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा और सिविल पुलिस द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई अवैध रूप से कहीं पे भी गाड़ी पार्क करेगा जहां पर लीगलाइज्ड स्टैंड नहीं है, जहां से हम स्टैंड के नाम पे हमने ठेका नहीं दिया है, टैक्स वसूल नहीं करती है कोई भी सरकारी एजेंसी, तो उसको अवैध ही माना जाएगा। तो ऐसे अवैध स्टैंड पर लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, और कोई भी अवैध स्टैंड गोरखपुर में किसी भी प्रकार का बिल्कुल संचालित नहीं होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने 2 लाउडस्पीकर को उतार कर सौंपा जिलाधिकारी व SSP को। जिलाधिकारी व SSP ने दोनों लाउडस्पीकर को गोरखनाथ प्राइमरी विद्यालय को किया दान। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रार्थना राष्ट्रगान में प्रयोग करने के लिए दिए निर्देश। जनपद में चल रहे अवैध स्टैंड, अवैध पार्किंग को अभियान चलाकर कराया जाएगा खाली। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी।
विद्युत सखियों व बीसी सखियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। सीएम योगी की पहल पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से जिला प्रशासन को सौंपे गए लाउडस्पीकर स्कूलों में प्रार्थना व राष्ट्रगान के काम आएंगे। गोरखनाथ मंदिर से मिले लाउडस्पीकर जनहित के निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तेईस मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, कहा 1000 अभ्यर्थियों को मेले के माध्यम से रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य, सभी अभ्यर्थी करें प्रतिभाग। उन्नीस मई को पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद को छुड़ाने गए व्यक्ति की हत्या करने वाले 3 अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एनसीसी एवं भारत स्काउट गाइड के बच्चों को पढ़ाया गया सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का पाठ, कहा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटना में हो सकेगा नियंत्रण। प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का कार्यक्रम। बेसिक स्कूलों में हर बच्चों को निपुण बनाने में जुटी योगी सरकार, निपुण भारत केंद्र के जरिए हर बच्चे का विषयवार ऑनलाइन हो रहा है मूल्यांकन। गोरखपुर में मॉडल के रूप में चल रहा है प्रोजेक्ट निपुण, बच्चों के लिए विज्ञान व गणित विषय को और रुचिकर बनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला में IIT गांधीनगर जाएंगे गोरखपुर की टीम। रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से संचालित ऑटो स्टैंड की शिकायत पर SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। नो पार्किंग में खड़ी 2 प्राइवेट बसों को किया सीज, कहा अवैध रूप से पार्क किए वाहनों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ITMS के कंट्रोल रूम के द्वारा यातायात नियमों के प्रति चौराहों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को किया जा रहा है जागरूक। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा ट्रैफिक चौराहों के बायलेन को रखें खाली ताकि ट्रैफिक का प्रेशर हो कम। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने NXC भवन के सभागार में की बैठक, कहा टीम बनाकर मोहल्लों से बकाया बिजली बिल की जाए वसूली। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में खेले जा रहे अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। 21 मई को मेट्रो रेल एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच होगा फाइनल मैच। और पेट्रोल पंपों को NOC देने वाली टीम के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक, कहा 1 सप्ताह के बाद पेट्रोल पंपों को जिलाधिकारी के माध्यम से NOC किया जाएगा वितरित। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह तथा आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का पाठ एनसीसी एवं भारत स्काउट गाइड के बच्चों को पढ़ाया गया, जिसमें महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जुबली इंटर कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सड़कों पर आम नागरिकों को सुगम यातायात अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है तथा एम्बुलेंस को रास्ता देना, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना, सिग्नल लाइट के अनुसार चलना, रेड लाइट होने पर स्टॉप लाइन से पीछे रुकना और जेब्रा क्रॉसिंग के संबंध में एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बच्चों को विस्तार रूप से समझाया गया और अपने जनपद को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहायता करें। वहीं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना में जो नियंत्रण प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी ला सकेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बच्चे जब सड़क पर उतरकर ट्रैफिक नियम का संदेश देंगे तो इससे जनता को एक अलग प्रभाव पड़ेगा। इस पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य यातायात निरीक्षण तथा शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, स्टॉप लाइन के ऊपर हमारी गाड़ी है, इसके लिए नहीं है। स्टॉप लाइन के पीछे आपको रहना है। स्टॉप लाइन आपके लिए इसलिए होती है कि समटाइम्स आप ब्रेक लगाओ, इंडिकेशन के लिए स्टॉप लाइन पे खड़ा नहीं होना है। बाकी सिग्नल के रूल सभी को बताएं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेफ्ट लेन ओपन का नहीं आना है। अगर आपको बाएँ नहीं जाना है, आपको सीधे जाना है, दाहिने जाना है, तो दाईं ओर का रास्ता आप क्यों चौक कर रहे हैं? आप कम से कम आधे लोगों के लिए या वन थर्ड लोगों के लिए या मिनिमम वन फोर्थ लोगों को रास्ता आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो लेफ्ट लेन सभी के लिए जो है खाली रखनी है। आप जान भाई जाते हैं जो आदमी आपके पीछे से आ रहा है उसको तो बाएँ जाने दो। अगर रेड सिग्नल तो उसको बाएँ जाने दो। एम्बुलेंस भी उसी रास्ते से निकल के आगे चली जाएगी। अगर हम लोग रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो लेफ्ट वाला कैसे जाएगा? और लाइट लगने से लोग चिल्लाते हैं जाम 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 लग गया। जाम कभी लाइट से जाम नहीं लगता। जाम को इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अभी शहर में नई नई ये सिग्नल की व्यवस्था शुरू हुई है और चौराहों को पहले रुकने की आदत नहीं थी। अब चूँकि आपको सिग्नल देख के आपको दो मिनट या डेढ़ मिनट या तीन मिनट के लिए चला के रुकना पड़ रहा है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जाम है। वो जाम नहीं है। कम्युनिकेशन लेवल आपका क्लियर हो, आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और जब बच्चे सीखेंगे तभी सबको सिखाएंगे, अपने आसपास में, समाज में, घर में, अपने साथियों के लिए, जिन लोगों के पास एनसीसी और स्काउट्स नहीं है। मेजर और उस्ताद आते हैं सिखाने के लिए। आपकी जब संडे को परेड होती है तो उनसे ट्रैफिक पे एक रखवाइएगा उनसे लेक्चर, और आप ही लोग बताइएगा आज आप लोग जो रोड बन रहा है सभी के लिए क्या रोड रूल्स हैं। वो 24 घंटे आप लोगों के कानों में आजकल काम थोड़ी सब्जी। मैं आपको सभी चौराहों पर सुनवा रहा हूँ, सब लोग उससे रूबरू हो रहे होंगे, पक गए होंगे उसका। सुनते सबसे एक ही बात कि कौन से बार में सबसे कितना जुर्माना है, थोड़ी रखने लगातार हमारे भी कम हो जाता है। तो रूल्स तो अगर इंडियन भी नहीं चलते हैं, जितनी दुर्घटनाएँ होती हैं सभी दुर्घटनाएँ इसलिए होती हैं कि हम लोग बहुत प्रॉब्लम चाहेंगे तो पुलिस हमको पूछेगी।
की, थोड़ा डिटेल जाने की, ये अभी भी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की। स्थापना की थी और हिंदुस्तानियों पर दमन करने के लिए उस पल की स्थापना हुई थी, तभी ये 35 दी गई थी। वैसा ही लोग समझते हैं, कोई एक परंपरा के रूप में चला, तो वो कुरीति जो है समाज में हर जगह जाएगी, जहाँ जहाँ आप जाएंगे उस प्राय को साथ लेके जाएंगे। तो सोसाइटी लेट्स बी पुलिस डिपार्टमेंट, हम वो पुलिस मानते हैं जैसा समाज होता है। तो किसी एक को हमको लिस्टिंग का टारगेट नहीं करना चाहिए कि पुलिस खराब है। इसके साथ एक ही वजह है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2019 में नहीं तो 50,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। आप बच्चे हैं, आप किसी फैमिली के वारिस हैं, उस फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको हमने इसलिए यहाँ बिठा के ये चीज बता रहे हैं कि आप जाएंगे और अपने पेरेंट्स से इस बात को डिस्कस करेंगे कि आज हमारे स्कूल में कौन आया था और उन्होंने क्या बताया। जब एक जन दुर्घटना होती है, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। आप लोग अपने परिवार के साथ डिस्कस करिए और उनके साथ आगे करिए। और आप, मुझे लगता है यहाँ पे सब 9-10 के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने टू व्हीलर्स पे आते होंगे। कौन कौन आता है टू व्हीलर्स? महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आज कई सारे विद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड्स के कैडेट आए हुए थे। इनके लिए रोड सेफ्टी कार्यक्रम और ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम शहर के विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस रोड सेफ्टी कार्यक्रम के लिए जन जागरण कार्यक्रम के रूप में हम लोग एक मास मूवमेंट के रूप में इसको गोरखपुर में लागू करना चाहते हैं, ताकि घर घर में हर आदमी प्रशिक्षित हो जाए, ट्रैफिक के बारे में अवेयर हो जाए कि हमको कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से हम गोरखपुर की जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बच्चे घर पे जाके अपने पड़ोस में पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को ये संदेश दें कि सब लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ताकि हमारा शहर गोरखपुर एक स्वच्छ गोरखपुर और सुरक्षित गोरखपुर बन सके और ट्रैफिक रूल्स के फॉलो अप में हम लोग जो है एक कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए, सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाने की एक मंशा जाहिर की थी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का अगर पालन करेंगे तो हम सड़क दुर्घटनाओं में, जो निरंतर प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बहुत कमी ला सकेंगे। उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन के रूप में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। उसमें हम यहाँ पे महात्मा इंटर कॉलेज और जुबली इंटर कॉलेज के एनसीसी के कैडेट्स एंड स्काउट्स को का सहयोग लेने आए हैं कि वो एक जन आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन करें, ताकि वो, जब वो एक ऐसा ग्रुप है कि जो हमेशा समाज सेवा और इन सब में जुड़ा रहता है, और उनके द्वारा जब ये सड़क पर उतर के ये सड़क सुरक्षा के नियमों का जो है बाहर सड़क पे ये जब ये देंगे संदेश, तो उससे एक अलग ही प्रभाव जनता पे पड़ेगा। और हम जनता से भी ये अपील करवाना चाहेंगे कि अब आप थोड़ा सा हमें अपने सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, ताकि हम जो है निरंतर जो बढ़ती हुई दुर्घटनाओं हैं उसमें कमी ला सकें। धन्यवाद। कैन पुलिस ने जान मारने की नियत से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैन थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को कूड़ाघाट तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गोविंद चौधरी पुत्र रामधनी निवासी प्रेमनगर कॉलोनी सुबह बाजार थाना कैन जनपद गोरखपुर, दूसरा विनोद साहनी पुत्र चन्नू साहनी निवासी ग्राम विशनपुरवा थाना कैन जनपद गोरखपुर, तीसरा भरत पुत्र फुन्नू निवासी ग्राम विशुनपुरवा थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।
कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 19 मई को आवेदिका लक्ष्मी देवी पत्नी मिठाईलाल निवासी विशुनपुरवा थाना कैंट जिला गोरखपुर की दुकान पर अभियुक्तगण चुन्नू मुन्ना महेंद्र पुत्र स्वर्गीय रामजीत महेंद्र पुत्र गोलू एवं झीनक पुत्र स्वर्गीय बासु सीता पत्नी स्वर्गीय भोला सूरज चंदन पवन गोलू पुत्र स्वर्गीय भोला तेरस पुत्र स्वर्गीय गोकुला निवासीगढ़ विशुनपुरवा सत्येंद्र चौधरी पुत्र जयदलाल निवासी सिंघड़िया थाना कैंट गोरखपुर भूमाफिया शत्रुधन मिश्रा सुनील सिंह उर्फ सुनील चौधरी पुत्र खरवान गोविंद चौधरी खोराबार निवासी व करीब 10 की संख्या में अज्ञात लोगों द्वारा लगभग 1:30 बजे रात्रि को कब्जा करने की नियत से जेसीबी के द्वारा बाउंड्री व दुकान को तोड़ने व मना करने पर आवेदिका व उसकी पुत्री के ऊपर जेसीबी चढ़ाने के प्रयास के संबंध में आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, अरविंद कुमार यादव, अभिनव मिश्रा, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल वैभव शामिल रहे। ITMS के कंट्रोल रूम के द्वारा नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति चौराहों पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए NCC एवं स्काउट गाइड के बच्चों को शहर के शास्त्री चौराहा, कचहरी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा एवं गोलघर चौराहे पर ले जाकर यातायात के बारे में संबंधित जानकारी दी गई तथा बाईलेन खाली रखने के लिए लोगों को समझाया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक चौराहे बाईलेन को खाली रखें। बाईलेन को खाली रखने से ट्रैफिक का प्रेशर कम हो जाता है और जिन लोगों को बाएं जाना होता है वो आराम से निकल जाते हैं। बाईलेन पर इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए खाली रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन में सहयोग करें और बाईलेन हमेशा खाली रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, दाहिने व सीधे जाना है वो बायां लेन अवरुद्ध ना करें, बायां लेन खुला रखें, अपने ही लेन में वाहन चलाएं। अगर सीधे जाना है तो वहीं अपने रुकना चाहिए, नहीं हटाने पर हटाने फोन हटाएगा इसको, तो कहेंगे हमको सीधा जाना है। कारण आपके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा और एक्सिस्टिंग सिस्टम से किया जा रहा है। निश्चित को हम आपसे अनुरोध यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही सिस्टम को मैनेजमेंट करें कि जिनको भी बाएं से बाएं जाना है कृपया बाएं लेन पकड़ के बाएं चले जाएं। आपकी ट्रैफिक सिस्टम बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुगम और नियमबद्ध है।
लेन किसी भी रूप में ब्लॉक ना हो। जो अभी आपने सिस्टम जनरेट किया है वही सिस्टम की बार बार आपसे अपेक्षा की जाती है कि लेफ्ट लेन को हमेशा फ्री रखें। हमारे TSI सर, आपने बहुत ही अच्छा आपने चौराहे पे मेंटेन किया है लेफ्ट लेन को, जो भी देखने में भी एक अच्छा लग रहा है कि आपने सर बहुत ही अच्छा मैनेज किया है। निश्चित रूप से आपका अथक प्रयास हमारे लिए एक सहयोग योग है। जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके वाहन का चालान किया जाएगा। ये रिक्शा वालों को उठवाइए, दीवान जी इनको लेफ्ट लेन भेजिए, लेफ्ट लेन में रिक्शा जो खड़े हैं। देखिए ट्रैफिक चौराहों पे जहाँ पर रेड सिग्नल होता है तो वहाँ पर जो नागरिक खड़े होते हैं, सभी गोरखपुर वासियों से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके बाईं लेन को खाली रखें। बाईं लेन को खाली रहने से हमारे ट्रैफिक का प्रेशर ऑलरेडी 1/3, 1/4 कम हो जाता है और जिन लोगों को बाएं जाना होता है वो सुगमता से निकल सकते हैं। और बाईं लेन को इसलिए भी खाली रखना है कि हमको इमरजेंसी व्हीकल, जिसमें सबसे पहले कोई एम्बुलेंस खड़ी हुई है तो उस व्यक्ति की जान खतरे में होती है, तो उनके लिए हमारे लिए हमेशा जो है बाईं लेन इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए और बाएं जाने वालों के लिए प्रत्येक चौराहे पर खाली रखना चाहिए। गोरखपुर की समस्त जनता से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि यातायात के नियमों के पालन में सहयोग करें और बाईं लेन के लिए हमेशा खाली रखें। धन्यवाद। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने NXC भवन के सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने गांव में विद्युत कनेक्शन पर VC सखी को 1% कमीशन दिया जाए, जिससे कि गांव में सभी लोगों का बिजली का बिल जमा हो सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा 133 करोड़ बिजली का बिल बकाया गया, सभी बकाया बिजली बिल को अभियान चलाकर जमा करवाया जाए। सभी विद्युत विभाग के JEE, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से समन्वय स्थापित करें, उसके बाद माइक्रो प्लान बनाकर मोहल्ले व गांव में बकाया बिजली बिल के खिलाफ अभियान चलाकर जमा करवाया जाए। इस अवसर पर ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सोमदत्त शर्मा सहित अन्य विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप RC का मिलान करा दें। मिलान का हम लोग टाइम टेबल जारी करते हैं, आपको मिलान कराने के लिए JEE से नीचे का, अगर अभियंता से नीचे का अधिकारी भी भेजना है। RC नहीं है दोबारा भेजी जाएगी या वसूल हो गई होगी कुछ ऐसे बात होगी, तो ऐसा कर पाएंगे आप लोग? JEE साहब आपको बताएं, उनका कोई अनुभव हो तब हमारे से पुराने तमाम लोग होंगे यहाँ पे, RC की वसूली को लेकर के कोई किसी का अनुभव हो, कहीं मिलान कराने गया हो तो बताए। कम्युनिकेशन रखे इसलिए कि वहां जब मैं तहसीलों में जाता हूँ तहसील की वजह से, वहां पे भी मैंने ये बात रखी है कि मिलान हुए बगैर एक्चुअल RC नहीं मालूम होगी। हमारे पास ऐसे 30-40 पत्र तो सामने रखे, लेकिन ऐसे सैकड़ों पत्र हैं जिसमें एक तो जैसे RC अगर बड़े अमाउंट की थी बाद में रिवाइज होकर के छोटा हो गया, नंबर एक। दूसरा, ढेर सारे प्रकरण ऐसे हैं डबल RC जारी हो गई है। तीसरा, ऐसे प्रकरण हैं जिसमें RC में अमाउंट की जगह मोबाइल नंबर पड़ गया है, ठीक। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर अमाउंट की जगह मोबाइल नंबर पड़ गया है उस RC की मात्रा कितनी बड़ी हो जाएगी ना, और उन्हीं बड़ी के चक्कर में हो सकता है हमारा ये 137 करोड़ रुपए हो गया। भाई 137 के बाद 7 वो पड़ेंगे ना, 7 जीरो, तो 10 जीरो हो गए इसमें। तो कुछ त्रुटियां ऐसी भी हैं, मेरा यहाँ आने का केवल यही उद्देश्य था आपको सेंसिटाइज कर दें। मैं हर जगह जो तरीका अपनाता हूँ वो तरीका आपके साथ भी चाहता हूँ, प्रत्येक खंड का एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, प्रत्येक खंड का जो भी नाम है व्हाट्सएप ग्रुप, और जैसे
जी सर हमारे जनपद में अभी जो आरसी दिखाई पड़ रही थी माननीय मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र था जिसमें लगे साथ प्रक्रिया डिस्कस की। हमारे पास जो आरसीज है उनमें नंबर एक, जैसे ही आरसी हमारे पास आती है अमीन जाकर के जब कंज्यूमर को मौके पर पकड़ाता है तो कंज्यूमर डायरेक्टली बिजली विभाग की तरफ भागता है और वहां जाकर के नहीं होता है कि साहब ये आरसी समाप्त हो गई। तो आप लोगों ने भी बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है कि जो आरसी इन्होंने अपने लेवल पे किसी को रिवाइज कर लिया, इनके पास भी फैसिलिटी नहीं है कि उसको ये वापस ले ले। अभी सर इसको एक्शन प्लान आरसी का मिलान हो जाएगा तो वास्तव में मालूम हो जाएगा कि कौन सी आरसी अभी पेंडिंग है और कौन सी वसूल हो गई है। जब हमारे पास ये मिलान हो जाएगा कि सारी आरसी है जो वसूल तो हो गई लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में कम पैसे पे अगर वसूल हो गई, जैसे 1,00,000 रुपए की है और वो 10,000 रुपए को वसूल हो गई है, तो 10,000 है तो 10 अलग-अलग ग्रुप बन जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप में हम रहेंगे, दसलाल साहब, प्रेसिडेंट साहब और अमित साहब रहेंगे, इनकी चेन के सभी ग्रुप रहेंगे, एक्शन साहब, प्रेसिडेंट साहब, ये ग्रुप हमारा कल तक तैयार हो जाएगा। भाई बंडे हम लोग अपना एक्शन प्लान डिसाइड करके मैक्सिमम 15 जून तक हमें इसको 50% पे लाना है। 137 करोड़ रुपए को 60 करोड़ जो पैसा है वो इतना नहीं है जितना साइट पर दिखाई पड़ रहा है। तो 15 जून हमारा लक्ष्य है। भाई मंडे हम अपना टाइम टेबल जारी कर देंगे मिलान का, और एक बार आप लोग लग करके मिलान करा देंगे तो 3-4 साल से, मैंने सर अभी आपको बताया था कपड़ा ही मैम जब थी तभी उन्होंने एम साहब को कहा था कि आपके जनपद में 105 करोड़ रुपए की आरसी है। तो साइट जब तक हम शुद्ध नहीं कर देंगे तब तक हमारा जनपद अनावश्यक खाई खाई करता रहेगा। विद्युत सखी आपकी मदद करेगी तो आप 1% उसको भी देंगे? हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विद्युत सखी को 1% देने का प्रावधान है ना? नहीं, वो केवल बिल पर है सर। ये भी तो बिल है यार, रिकवर बिल है ना। क्यों नहीं? देखिए इशू मैं बता रहा हूँ, इशू क्या है, आपके गांव में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जी। नहीं, आपका ना गांव में मोहल्ले में स्ट्रक्चर नहीं, इतने लोग तो कर नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ गाँव का स्ट्रक्चर तो विद्युत सखी है, उसको आप वो मेहनत करेंगे, आप वसूली करने देंगे, आपका अमीन और विद्युत सचिव टीम बना के वहाँ कर लेंगे सर। तो आप उनको 1% दे दो ना सर। सर उनको तो ऑटोमेटिकली जब बिल में पैसा है, आज से दो तरह की आती है सर, एक हेल्प की नहीं सर, तो अनाउंस कर दें हम लोग तो वो लोग मेहनत करेंगे। 70% तो मिलेगा अभी यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है ना, आप एरिया का तो बताएंगे। अभी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का अच्छा क्या बताया है, व्हाट्सएप ग्रुप से अमीन को ये लोग संपर्क करेंगे 137 करोड़ की, उसमें आप कैसे हल कराएंगे आगे के कार्य? कोई यही बताया मुझे क्या करने वाला आपके क्षेत्र में, कोई यही बताया आप क्या करेंगे? अभी अगले 15 जून तक डेडलाइन दिया गया है, क्या किया करेंगे आपकी राशि सुनने में? इसमें एक मकसद और भी है जो अभी विशेष प्रकार में जो टाइमलाइन दिया गया है सर, जो भी डिवीजन से आरसी है सर, पहली बात सर ये कि जैसे आरसी अमीन के जाने के बाद कई सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिन्होंने आकर डायरेक्ट मोड में पैसा जमा कर दिया सर, वो पेटीएम से भी जमा कर रहे हैं, डायरेक्ट अकाउंट में भी जमा कर रहे हैं, तो हमने जो बकाया कहे गए उसमें सर आरसी भेजा है, उसको तो हम अपने डिवीजन में भी एक्सरसाइज बना सकते हैं कि इतने लोगों ने जमा कर दिया है, तो उससे तो सर कुछ पैसा मेरा मैंने नहीं कुछ मैं चाहता हूँ कि उदाहरण आरसी और मान लीजिए 20 अमीन है तो अमीन वार आपने आरसी किस किस के पास है ये आपके आपके पास डेटा है, नहीं है तो आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार से ले लेंगे, ये पहला कदम। सभी जेई अपने आरसी को लेकर तहसीलदार नायब तहसीलदार से कोऑर्डिनेशन जरूर बनाएंगे अगले 1 या 2 दिन मैक्सिमम, और एक्शन साहिबान एडीएम साहब को बताएंगे कि आपका सारे जेई एसडीओ तक सबका कोऑर्डिनेशन हो गया है तहसील के साथ, फिर जॉइंट रेट का माइक्रो प्लान बन जाए, क्योंकि अमीन अकेला जाएगा कोई फायदा नहीं, आप अकेले जाएंगे कोई फायदा नहीं, माइक्रो प्लान बना दीजिए कि इस गांव में या इस मोहल्ले में इस दिन जाना है, ये इधर से जारी कर दीजिए। एसडीएम साहब एक्सएल साहब के साथ बैठ के माइक्रो प्लान आपको देंगे एडीएम साहब, आप अपने हस्ताक्षर से जारी कराइए कि इस मोहल्ले में इस दिन रेड होगा, रेड का शब्द दे दीजिए रेड। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में 16 से 21 मई
2022 तक खेले जा रहे अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन 20 मई को तीसरे स्थान के लिए सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर में प्रातः उत्तर रेलवे, नई दिल्ली एवं पश्चिम रेलवे के बीच मैच खेला गया। पश्चिम रेलवे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पश्चिम रेलवे ने 40 ओवरों में 8 विकेट खोकर 242 रन बनाए। मुकाबले में उतरी उत्तर रेलवे ने मात्र 38.1 ओवरों में 4 विकेट पर 245 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस प्रकार उत्तर रेलवे ने 6 विकेट से मैच जीतकर तीसरा स्थान पक्का कर लिया। पश्चिम रेलवे की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सौरभ वकासकर ने 59 गेंदों पर 4 चौकों एवं 6 छक्कों की मदद से 49 रन, ओम जायसवाल ने 40 गेंदों पर 4 चौके एवं 4 छक्के की मदद से 47 रन, रोशन भोसले ने 46 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 42 रन तथा विनायक भोयर ने 34 गेंदों पर 4 चौके एवं 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर 242 रनों का स्कोर खड़ा किया। उत्तर रेलवे की तरफ से गेंदबाजी करते हुए नरेंद्र ने 32 रन देकर 2 विकेट तथा हर्ष ने 40 रन देकर 2 विकेट लिए। मुकाबला करने उतरी रेलवे की टीम के आकाश यादव ने 79 गेंदों पर 4 चौके एवं 10 छक्के की मदद से सर्वाधिक 79 रन, आशीष सहरवात ने 79 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से शानदार 66 रन, दिनेश मोर ने 31 गेंदों पर 4 चौके एवं 6 छक्के की मदद से नाबाद 51 रन तथा हर्ष त्यागी ने 26 गेंदों पर 4 चौके एवं 2 छक्के की मदद से नाबाद 35 रन बनाए। पश्चिम रेलवे की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जय चौहान ने 37 रन देकर 4 विकेट हासिल किया। रेलवे क्रिकेट के सिलेक्टर के वी काला ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थन रेलवे के बीच मैच खेला जा रहा है। इतनी तेज धूप और गर्मी में खिलाड़ी मैच को सुंदरतापूर्वक खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की है जो पहले नहीं था, लेकिन आज खिलाड़ियों को रेलवे द्वारा हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। पहले रेलवे की टीम होटल में नहीं ठहरती थी, लेकिन अब होटल में ठहरती है। अब हर सुविधा खिलाड़ियों को रेलवे दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आगे भी रेलवे खिलाड़ियों को ऐसी ही मदद करती रहेगी। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 21 मई को प्रातः 7:30 बजे से मेट्रो रेलवे एवं मेज़बान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए रेलवे सेलेक्टर के वी काला ने कहा, लवली वाक्या बच्चे बच्चे जब मेरा नाम केवी काला है, मैं रेलवे में सिलेक्टर हूँ। नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस वेस्टर्न रेलवे का मैच चल रहा है यहाँ, ये इंटर रेलवे हो रहा है, ऑल इंडिया इंटर रेलवे, और नॉर्दर्न रेलवे जो है अभी बैटिंग कर रही सेकंड, वो बैटिंग कर चुके हैं और अब मैच अच्छा हो रहा है, अभी भी मैच ओपन है। थोड़ी गर्मी यहाँ पर काफ़ी पड़ रही है, जिससे थोड़ा खिलाड़ियों की वो है, बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे जिस हिसाब से हम लोगों को मिलनी चाहिए थी वो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है गोरखपुर में। रेलवेज ने एक स्पोर्ट्समैन के लिए अभी बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया है, जब भी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज हर चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। कभी भी इंटर रेलवे में टीम होटल में नहीं ठहरती थी, लेकिन अभी सारी सुविधाएँ दे रही है रेलवे स्पोर्ट्समैन को। यह जो है बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है, और मुझे उम्मीद है ऐसा ही रेलवे और आगे भी स्पोर्ट्समैन की मदद करती रहेगी। खिलाड़ियों में
काफ़ी उत्साह है इसको लेकर के और बहुत संतुष्टि है। कल ये थर्ड प्लेस के लिए मैच खेला जा रहा है, कल फाइनल होगा NER वर्सेस मेट्रो रेलवे। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पंपों को NOC देने वाली टीम के साथ बैठक की, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पंपों को NOC जारी होती है, उसको स्पीड अप करने के लिए यह बैठक की गई है, जिसमें अलग अलग विभाग व संबंधित क्षेत्र के SDM शामिल रहे, जिसको देखते हुए विभागों को बुलाया गया था, जिससे कि सभी के साथ समन्वय बनाकर NOC जारी हो सके। उन्होंने कहा, बैठक के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के बाद पेट्रोल पंपों को NOC जारी हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नोडल विभाग होने की डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगते हैं। मेरे पास तक केवल आज की डेट में केवल चार पेंडिंग है और चारों में सर DM से रिमाइंडर जारी करा दिया। अब ये तीन फाइलें सर सभी आदेश का इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा हो जाए कि इसे सर जो भी नहीं है नहीं, ये अभी तो ये इन्वॉल्व भी नहीं थी, इनका तो आज पहला वो है जी सर। यहाँ अभी तक आपका ही पटल से जारी होता है? नहीं सर, आपका ही पटल तीन वर्ष पूर्व था सर। सरकारी पटल पर ही था हम लोग, कोई बात नहीं। फिलहाल सर ये है 8 फरवरी 21 का सर। किसके पास होगी आप सब जो हमको मिला था सर, फाइल में लगा दिया, किस फाइल में ही होगा चेक कर नहीं, एक एक टिक लगा ली अंदर, देखिए हो सकता है वन विभाग की लगी सारी फाइल है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस हूँ। आज बैठक की गई है जिसमें पेट्रोल पंपों की जो हमारे यहाँ NOC जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जारी होती है, उसको स्पीड अप करने के लिए ऐसा किया गया है। और इसमें चूंकि विभिन्न विभाग सम्मिलित होते हैं, तो सभी विभागों को आज यहाँ बुलाया गया था। एक नवाचार, एक नया इनिशिएटिव है कि जहाँ से NOC जारी होनी है उनको एक साथ बुला लिया जाए, उस पर चर्चा हो जाए, जिससे मैक्सिमम एक सप्ताह से 10 दिन में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पेट्रोल पंपों की NOC जारी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने 2 लाउडस्पीकर को उतार कर सौंपा जिलाधिकारी व SSP को। जिलाधिकारी व SSP ने दोनों लाउडस्पीकर को गोरखनाथ प्राइमरी विद्यालय को किया दान। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रार्थना राष्ट्रगान में प्रयोग करने के लिए दिए निर्देश। जनपद में चल रहे अवैध स्टैंड, अवैध पार्किंग को अभियान चलाकर कराया जाएगा खाली। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। विद्युत सखियों व VC सखियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। CM योगी की पहल पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से जिला प्रशासन को सौंपे गए लाउड स्पीकर स्कूलों में प्रार्थना व राष्ट्रगान के काम आएंगे। गोरखनाथ मंदिर से मिले लाउड स्पीकर जनहित के निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तेईस मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। कहा, 1000 अभ्यर्थियों को मेले के माध्यम से रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य, सभी अभ्यर्थी करें प्रतिभाग।
19 मई को पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद को छुड़ाने गए व्यक्ति की हत्या करने वाले 3 अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एनसीसी एवं भारत स्काउट गाइड के बच्चों को पढ़ाया गया सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का पाठ, कहा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटना में हो सकेगा नियंत्रण। प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का कार्यक्रम। बेसिक स्कूलों में हर बच्चों को निपुण बनाने में जुटी योगी सरकार। निपुण भारत केंद्र के जरिए हर बच्चे का विषयवार ऑनलाइन हो रहा है मूल्यांकन। गोरखपुर में मॉडल के रूप में चल रहा है प्रोजेक्ट निपुण। बच्चों के लिए विज्ञान व गणित विषय को और रुचिकर बनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला में IIT गांधीनगर जाएंगे गोरखपुर की टीम। रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से संचालित ऑटो स्टैंड की शिकायत पर SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। नो पार्किंग में खड़ी 2 प्राइवेट बसों को किया सीज, कहा अवैध रूप से पार्क किए वाहनों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ITMS के कंट्रोल रूम के द्वारा यातायात नियमों के प्रति चौराहों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को किया जा रहा है जागरूक। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा ट्रैफिक चौराहों के बायलेन को रखें खाली ताकि ट्रैफिक का प्रेशर हो कम। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने NXC भवन के सभागार में की बैठक, कहा टीम बनाकर मोहल्लों से बकाया बिजली बिल की जाए वसूली। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में खेले जा रहे अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। 21 मई को मेट्रो रेल एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच होगा फाइनल मैच। और पेट्रोल पंपों को NOC देने वाली टीम के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक, कहा एक सप्ताह के बाद पेट्रोल पंपों को जिलाधिकारी के माध्यम से NOC किया जाएगा वितरित। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।